हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 21 दिसंबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं या तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1550 ईस्वी में आज ही के दिन बादशाह अकबर के प्रमुख राजपूत सरदार मानसिंह का जन्म हुआ था। सन 1881 ईस्वी में आज ही के दिन बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और छत्तीसगढ़ राज्य में जन जागरणकर्ता सुंदरलाल शर्मा का जन्म हुआ था। सन 1891 ईस्वी में आज ही के दिन छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारे लाल सिंह का जन्म हुआ था। सन 1898 ईस्वी में आज ही के दिन रसायन शास्त्री पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। सन 1920 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित का निधन हुआ था। सन 1923 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटेन के संरक्षण में रहने के बाद राज्यदर्शी से मुक्त होकर नेपाल पूर्ण स्वतंत्र देश बना था। सन 1931 ईस्वी में आज ही के दिन आर्थर वेन के द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला क्रॉसवर्ड न्यूयॉर्क के वर्ल्ड अखबार में प्रकाशित हुआ था। सन 1937 ईस्वी में आज ही के दिन पहली पूर्ण लंबाई वाली और पहली डिज्नी एनिमेटेड फीचर फिल्म स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ का प्रदर्शन किया गया था। सन 1938 ईस्वी में आज ही के दिन हिंदी गद्य साहित्य के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग विधायक महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था। सन 1952 ईस्वी में आज ही के दिन सैफुद्दीन किचलू सोवियत संघ के लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। सन 1974 ईस्वी में आज ही के दिन वर्ष 2002 बैच में वन सेवा अधिकारी और 2015 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले संजीव चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। सन 1996 ईस्वी में आज ही के दिन ताइवानी अमेरिकी एड्स पर शोध करने वाले डेविड हो को टाइम पत्रिका के मैन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था, जिसे पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी कहते हैं। सन 1998 ईस्वी में आज ही के दिन नेपाली प्रधानमंत्री गिरजा प्रसाद कोइराला ने इस्तीफा दिया था। सन 2008 ईस्वी में आज ही के दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अमेरिका पत्रिका न्यूज वीक ने दुनिया के 50 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। सन 2011 ईस्वी में आज ही के दिन देश के जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट पीके अयंगर का निधन हुआ था। सन 2012 ईस्वी में आज ही के दिन गंगनम स्टाइल यूट्यूब पर 1 अरब बार देखे जाने वाला पहला वीडियो बना था। सन 2016 ईस्वी में आज ही के दिन नीतीश तिवारी द्वारा निर्देशित और आमिर खान, फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा द्वारा अभिनीत भारतीय खेल ड्रामा फिल्म दंगल दुनिया भर में $300 मिलियन कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2021 संस्करण में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी थी। टूर्नामेंट में शामिल किए गए ये खेल थे गतका, मलनखम्बा, थांगता और कलारी पयट्टू। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका के लिए लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया था। यह पुरस्कार पीएम मोदी की ओर से अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्राप्त किया था। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय आर के सिंह ने नया बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 तैयार किया था। यह नियम उपभोक्ताओं के अधिकारों और वितरण लाइसेंस धारियों के दायित्वों का प्रावधान करते हैं। इसमें जो वितरण करने वाला है सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करेगा। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के सहयोग से रुपे सिलेक्ट नाम से कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड का एक अनूठा संस्करण लॉन्च किया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 में। वहीं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात NPCI की स्थापना हुई थी 2008 में। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी। 2014 में किए गए 7910 के पिछले अनुमान की तुलना में भारत में अब 2018 के अनुमान के अनुसार 12852 तेंदुए हैं। मध्य प्रदेश में 3421 तेंदुए हैं, कर्नाटक में 1783, वहीं महाराष्ट्र राज्य में 1690,
तेंदुए हैं जो कि उच्चतम तेंदुओं का अनुमान दर्ज किया गया है। तो ये इतिहास से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।